नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। में हूं आपके साथ शिवानी पांडे। तकबर शर्मा शो में सपना का किरदार निभाने वाले कृष्णा हर बार अपनी एक्टिंग और कॉमेडी से सबका दिल जीत लेते हैं। और द कपिल शर्मा शो का फॉर्मेट ऐसा है कि वहाँ हर हफ्ते कोई ना कोई नया मेहमान आता है, तो इसी के चलते कल यानी कि कल के एपिसोड में गोविंदा और उनकी पूरी की पूरी फैमिली वहाँ पर मौजूद रही, लेकिन इस दौरान कृष्णा वहाँ नजर नहीं आए। कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक को कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में सपना के किरदार में देखा जाता है। उनका एक कैरेक्टर काफी हिट भी है। कपिल के शो में कीकू शारदा का बच्चा यादव और कृष्णा का सपना वाला किरदार काफी हिट है और वो लगभग इस शो के हर एपिसोड में नजर आते हैं। चाहे सपना बने हो या फिर कृष्णा किसी और किरदार में हो, उनकी डांस से लेकर उनकी कॉमेडी तक में मामा गोविंदा की झलक दिख जाती है। अक्सर अपने जोक्स में भी कृष्णा मामा का जिक्र करते हुए दिख जाते हैं, लेकिन रविवार को कपिल के शो पर जब कृष्णा के मामा गोविंदा अपनी पत्नी सुनीता और बेटी टीना आहूजा के साथ पहुंचे तो कृष्णा ने इस एपिसोड से खुद को दूर ही रखा। रविवार के एपिसोड में गोविंदा पत्नी सुनीता के साथ अपनी बेटी टीना आहूजा का पहला गाना प्रमोट करने पहुंचे। टीना का ये गाना इसमें तेरा घाटा फेम सिंगर गजेंद्र के साथ है और इसे इंटरनेट पर काफी व्यूज मिल रहे हैं, लेकिन मामा और मामी से चल रहे अपने झगड़े के चलते कृष्णा ने कपिल के शो से खुद को दूर ही रखा। कृष्णा और उनकी पत्नी कश्मीरा का कहना है कि गोविंदा और उनका पूरा परिवार उनकी पत्नी सुनीता के कहने पर चलता है और अब उनके बीच की दूरी कभी खत्म नहीं हो सकती। वहीं हाल ही में एक इंटरव्यू में कश्मीरा शाह ने अपने जुड़वा बच्चों का जिक्र करते हुए कहा था कि मेरे बच्चों से वो अभी तक नहीं मिले और शायद वो भविष्य में कभी नहीं जानेंगे कि उस परिवार से उनका कभी कोई रिश्ता भी था। तो एंटरटेनमेंट की ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।